Gar tap sigas la tap. Yanlagi. Canı buna attı lan. Abi gar geç mi sana arma gar. Şey ya. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि वल्लाह मसाइल चुनिए अटकन छोड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने एक लाइव किया था जिसमें मैंने कहा था एक बंदा है जो अननोन पर्सन है, जो पता नहीं कहां का रहने वाला है, कई सालों से यहां पर है। तो हम शुक्रगुजार हैं होप डिसेबिलिटी सेंटर के और राहत घर जो वॉयल में बनाया गया है, उनकी टीम यहाँ पर आई तो हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि यहाँ पर एक बंदा है, उनकी टीम यहाँ पर आई है, बीमार है बहुत ज़्यादा, ये अननोन पर्सन है। तो उनकी टीम यहाँ पर आई तो उन लोगों ने इसको यहाँ से रिहैबिलिटेट रेस्क्यू कर दिया। अब वो हम उनके सेंटर के ओर जा रहे हैं। तो ये सभी तब पॉसिबल होता है जब आप लोग कोई वीडियो शेयर करते हो, जब आप लोग सपोर्ट करते हो, और आप लोग की सपोर्ट की वजह से फिर कोई ना कोई आगे आ जाता है। तो इस वक्त हम गाड़ी में इसको एम्बुलेंस में भर दिया गया है, ये बिल्कुल ही मान नहीं रहा था, ये बिल्कुल ही बहुत ही इंसिस्ट करना पड़ा इसको, बहुत ही ना वो बहुत ही जारी के बैद ये तैयार हो गया यहाँ से निकलने के लिए। तो अब ये होप डिसेबिलिटी सेंटर पे इस वक्त जा रहे हैं। हम बिल्कुल इनके शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने भी वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचाया, और विद इन नो टाइम उन लोगों ने रिएक्शन दिया, उन लोगों ने कॉल किया मुझे और बताया कि हम आ रहे हैं, आप हमारा वेट कीजिए। तो हम लोग भी यहाँ ही पर तब तक थे, आप इस बंदे को यहाँ से लिया जा रहा है। फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो शेयर करते हो शायद इसकी फैमिली तक पहुँचे। ये बीमार हैं, ये बिल्कुल ही ज़्यादा बात करता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, मैं कहाँ का हूँ क्या हूँ। तो ये नहीं पर हैं, तो आप शुक्रिया है फिलहाल, ये यहाँ से इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर लिया जा रहा है। तो फिर देख के जब हमने इसका एक वीडियो देखा हम हैरान रह गए, ये बिल्कुल ही अच्छा यंग है। तो इसको ये जो आप इस फेस देख रहे हो, इसका एक वीडियो मैंने देखा जो वायरल पिछले साल इसको नहाया गया है, ये 6 सालों से इस बस्ती में था, 6 सालों से हम लोगों ने इसको पाला। अब इसको वापस हम रिहैबिलिटेशन सेंटर ले रहे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने वीडियो शेयर किया और इस वक्त ये अपने घर वापस जा रहा है, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।